पवन पुत्र हनुमान की, बोलिए शंकर भगवान की। तो आज बड़े ही पावन हर्ष का विषय है। इस ग्राम बरकत्ताबाद में ये 7 दिवसीय कथा का आज 6ठा दिवस है। तो सभी महान जितने भी आसपास जितने लोग हैं सभी के चरणों चरणों का आशीर्वाद चाहता हूँ। और हमारे फिरोजाबाद से चल करके हमारे चाचा श्री संजय सिंह चाचा राठौर जी, जो ये चैनल केएस चैनल है, ये पूरे उत्तर भारत ही नहीं अमेरिका नेपाल अन्य प्रांतों में प्रांतीय चैनल इसको कहा जाए तब भी कम है। तो हमारे चाचा जी के चरणों में भी प्रणाम है, बारंबार नमन है। और प्रणाम महाराजी महाराज जी जो आपके समक्ष अभी मनसासीन से, शैलेंद्र दास जी बाल व्यास आपके चरणों में भी नमन है, आपका भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा। तो आइए चंद पंक्तियाँ भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं माँ के दर पे जाओगे कुछ जरूर मिलेगा, लौटोगे नहीं खाली बदस्तूर मिलेगा। मन का गुरूर छोड़कर फैलाओगे झोली तो माटी से लेके तुमको कोहिनूर मिलेगा। कि थोड़ा करम हो मुझ पर भी, महाराज जी का आदेश हुआ है। ये गीत हमारे बाराबंकी से चलकर आए हुए, मैं कलाकार नहीं हूँ, बस महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तो उल्टा सीधा काम चलाऊ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। चाचा जी का आशीर्वाद प्राप्त है तो बिल्कुल आप लोगों के समक्ष एक गीत। कि थोड़ा करम हो मुझ पर भी कि
बर्फानी और निकला जहर समुद्र से। चंद पंक्तियां और पेश कर रहा हूं। निकला जहर समुद्र से और लेने लगा लहर और परहित के लिए पी लिया, परहित के हित में पी लिया प्रभु आपने जहर। भोले बाबा ने पी लिया परहित के लिए यानी दूसरे के लिए पी लिया हो।
के कौड़ी नहीं खजाने में, और सबको बसा दिया महलों में, आप बसे वीराने में। इसलिए